हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडुकेट जिला। आज हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन के आगे हमने मेंशन किया है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है, और ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके बोर्ड 23 के लिए। 2023 एग्जाम जो आपका आने वाला है उसके लिए जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप ये क्वेश्चन बोर्ड की जो वेबसाइट है उससे देखते हैं तो उसमें आपको ओवरऑल क्वेश्चन मिलते हैं, बट हमने क्या किया हुआ है, इसको बिल्कुल सॉर्ट आउट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज। मींस अगर आप पहले चैप्टर के बेसिक्स को पढ़ेंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस पे जाएंगे तो इजिली यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, और सबसे अच्छी एक बात है क्या कि जो हमने जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं दैट बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड। आप देख सकते हैं कि जो आपका पेपर आएगा वो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा सा आपको बेसिक्स उनका क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने लिए है अपने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू द मैग्नेटिक लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और क्या पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन व्हाई द टू मैग्नेटिक लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। नो टू मैग्नेटिक लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब एक ही है, तीनों में जो वे है वो डिफरेंट तरीके से पूछा गया। सो व्हाट इज द आंसर हियर, इफ द टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर टू टेंजेंट विद द टू डायरेक्शन। देखो अगर आप क्या करेंगे, दो मैग्नेटिक लाइंस लेंगे, अब यहां हमने मैग्नेटिक लाइंस ली और उनको इंटरसेक्ट करवा दिया, मान लेते हैं वो इंटरसेक्ट करती है पी पॉइंट पर। अब अगर ये मैग्नेटिक लाइन यहां देखते हैं तो ये मैग्नेटिक जो फील्ड होगा वो क्या करेगा, अलग डायरेक्शन में जाएगा। इट मींस उन लाइंस की दो डायरेक्शन होगी। इज इट पॉसिबल कि मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन में हो, नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई दे कांट इंटरसेक्ट। ओनली दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, आपके अपने माइंड में ये रखना है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो दो लाइंस होंगी, और दो लाइंस हुई तो दो डायरेक्शन होंगी, दो टेंजेंट है तो दो डायरेक्शन होंगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो इट इज एन मैग्नेट, इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट विच बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ध्यान रखिए जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं दे आर टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब कि अगर मैं उनके अंदर से करंट को रोक दिया जाए तो ये अपनी मैग्नेटिज्म को रोक देंगे बिल्कुल, तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेंगे। सो दे आर टेम्परेरी मैग्नेट विच बिहेव लाइक मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। वेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, जब इनमें से करंट को पास करवाया जाता है, और अगर करंट को रोक दिया जाए तो ये अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को भी लूज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर। अर्थ वायर का क्या वर्क होता है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक एप्लायंसेस। जो भी एप्लायंसेस होते हैं उनको हमें अर्थिंग क्यों की जाती है, क्यों उससे कनेक्ट करना चाहिए। अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू अ मेटालिक प्लेट डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ वायर को हम क्या करते हैं, अर्थ के अंदर एक मेटालिक प्लेट रखते हैं और उससे कनेक्ट करते हैं। दस द मेटालिक बॉडी ऑफ एप्लायंसेस इज कनेक्टेड टू द अर्थ। तो इस तरह से जो भी हमारा एप्लायंस होगा वो किससे कनेक्ट हो गया, अर्थ से कनेक्ट हो गया। विच प्रोवाइड ए लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, द यूजर माइट नॉट गेट अ सर्व शॉक। अब ऐसा होगा कि बाय चांस कोई भी अगर एप्लायंसेस होता है उसमें करंट आता है तो वो करंट किसी भी ह्यूमन बॉडी को शॉक प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो किससे कनेक्ट है, अर्थ से। वो क्या करेगा, जितना भी करंट होगा वो किसके थ्रू चला जाएगा, थ्रू दी अर्थिंग टू दी मेटालिक प्लेट। राइट नाउ व्हाई डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट क्यों अकर होता है। इफ द प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर गेट टॉर्न, अगर ऐसा है कि जो भी लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है वो क्या हो जाती है, टोन टूट जाती है, कहीं से फट जाती है, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को टच करती हैं। दिस टचिंग ऑफ वायर टच ईच अदर, और ये जब एक दूसरे को टच करती हैं तब हम कहते हैं क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। दोबारा से समझिए, शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को टच करेंगे। राइट नाउ इफ When the two wire touch each other, the resistance of a circuit so formed is very small. ऐसा होगा कि उनका जो सर्किट होगा वो उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा अमाउंट में करंट क्या करेगा, उसमें से फ्लो करेगा, और इस तरह से क्या लग सकता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है और उसमें आग भी लग सकते हैं, द फायर में भी स्टार्ट। राइट
Now the next question is a compass needle get deflected when brought near a current carrying conductor. अगर आप कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर लो, अब करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ आप देखते हैं क्या होगा, कंपास नीडल अगर आप लेके आओगे तो वो नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्शन शो करेगी. तो चारों तरफ क्या होगा, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. नाउ व्हाट हैपेंड टू द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल व्हेन करंट इन द कंडक्टर इज इंक्रीज. अगर ऐसा है कि आप I को इंक्रीज करेंगे, then what happened to the deflection? तो deflection को क्या इफेक्ट पड़ेगा, so it also decreases. जो deflection होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी. राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ए सोलेनोइड. सोलेनोइड क्या होता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए क्वाइल. तो क्वाइल में और सोलेनोइड में क्या डिफरेंस हो सकता है, यू कैन सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अ क्वाइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid. अगर आप बहुत सारे copper wire को turn करके cylindrical shape में रखते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, solenoid. Then how is it different from a coil? अब यहाँ पर the strength of magnetic field inside a coil vary, while in the case of solenoid it is same. हम कहते हैं coil के केस में जब आप coil लेते हैं तो उसमें magnetic field कैसी होती है, क्या करती है, वेरी करती है. लेकिन हम कहते हैं कि जो भी सोलेनोइड होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज यूनिफॉर्म. कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है. राइट, नाउ एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर. एक एसी है, एसी में हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज की. How many time does it change direction in 1 second? वो जो alternating current होगा वो 1 second में कितनी बार अपनी direction को change करेगा, and give you a reason. So answer is 100 times. How it is? अगर हम कहते हैं कि 1 cycle होती है तो 1 cycle में ये direction कितनी बार change करता है, 2 times. 1 cycle involved 2 change of direction, 2 बार direction change हो रही है. So 50 hertz AC means इट डायरेक्शन इन 1 second 100 times डबल हो जाएगा. तो इट मीन्स हम क्या कहेंगे, इट इज 100 मल्टीप्लाई ऑफ दिस. ओके, नाउ कंपेयर द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सोलेनोइड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट. क्या बोला, सोलेनोइड लो और साथ में एक बार मैग्नेट लो. सोलेनोइड में किस तरह से पैटर्न बनता है मैग्नेटिक फील्ड का, और बार मैग्नेट में कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है. लेट्स सी दिस. पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सोलेनोइड लुक सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट. जो भी सोलेनोइड में पैटर्न बनता है सेम एज इट इज किस में बनता है, सोलेनोइड में और बार मैग्नेट में. वन एंड ऑफ सोलेनोइड बिहेव एज अ नॉर्थ पोल. हम कहते हैं कि जो भी सोलेनोइड होगी वो क्या करेगी, किसकी तरह बिहेव करेगी, एक तो नॉर्थ पोल और एक क्या होता है, साउथ पोल. कैसे पता चलता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, साउथ पोल रिप्रेजेंट करती है, और एंटी क्लॉकवाइज जहां करंट होता है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है. इट मींस यहां पर जब करंट फ्लो करेगा तो अगर वो क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, साउथ पोल. एंड इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज तो हम कहेंगे कि क्या होगा, वो नॉर्थ पोल. बार मैग्नेट में भी तो सेम ही होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक क्या होता है हमारा, साउथ पोल. राइट, सो इट इटसेल्फ बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट. क्वेश्चन इज Why does a freely suspend magnet always point in geographic north-south direction? क्यों ऐसा होता है कि कोई भी मैग्नेट अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड करती हैं तो वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं कहां पर, हमारी ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ में. तो हम क्या मानते हैं, हमारी जो अर्थ है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. राइट, अब अगर ये बार मैग्नेट है तो हम मानते हैं कि इसका जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल ऑफ दिस ह्यूज बार मैग्नेट लाई टूवर्ड दी ज्योग्राफिक साउथ पोल. नॉर्थ पोल जो होगा बार मैग्नेट का वो कहां लाई करेगा, टूवर्ड दी ज्योग्राफिक साउथ. एंड द साउथ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट, और हमारी जो अर्थ का जो साउथ पोल है वो कहां पर है, टूवर्ड दी ज्योग्राफिक नॉर्थ. राइट, दोबारा समझो, जो नॉर्थ पोल होता है वो ज्योग्राफिक कहां होता है, साउथ में, और जो साउथ पोल होता है वो कहां होता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ में. व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंड फ्रीली, जैसे ही मैग्नेट को सस्पेंड करोगे तो वो क्या होगा, उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो कहां चला जाएगा, नॉर्थ पोल कहां जाएगा, टुवर्ड दी साउथ, हमारी अर्थ के मैग्नेट के साउथ पोल पर. इट मींस यहां पर हम कहेंगे वो क्या शो करेगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ को शो करेगा.
ठीक है। और ऑब्वियस है दूसरा जो पोल होगा वो क्या करेगा, ज्योग्राफिक साउथ को पोल करेगा, क्योंकि हम कहते हैं बार मैग्नेट के अंदर हम अनलाइक पोल्स को हमेशा क्या कहते हैं कि वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई, राइट। एंड अल्फा पार्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, एक पार्टिकल क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, एट राइट एंगल टू इट एज अ शोन, जैसे दिखाया गया है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट रूल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द अल्फा व्यू। देखो पॉजिटिव आपने एक पार्टिकल लिया और वो कहां एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हम क्या कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, याद रखो फादर मदर एंड चाइल्ड, तो फोर्स देन मैग्नेटिक फील्ड एंड देन क्या होता है हमारा करंट होता है। तो आप देखें अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग रूल इफ द फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर कहां जाती है करंट की तरफ और थंब कहां जाता है टू दी फोर्स, देन फोर्स विल एक्ट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, कहां जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा फोर्स मूव करेगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज हियर, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टुवर्ड द ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, टू मैनी हाई पावर रेटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड नॉट बी स्विच एट द सेम टाइम पर सारे अप्लायंसेस यूज नहीं करने, Too many electrical appliances should not be operated on a single socket. Single socket पे ही आप ऐसा नहीं है कि high power के जो appliances हैं उनको use करें। हमने क्या किया, एक magnet लिया और उसके तीन equal part कर दिए, एक A, B और C. Name the part where the strength of magnetic field is maximum. कहाँ होगा कि magnetic field maximum होगा और दूसरा minimum कहाँ होगा? तो ध्यान से देखो, अगर A और C की बारे में बात करें तो magnetic field region A और C में क्या होगा वहां पर ज्यादा होगा और मिनिमम कहाँ होगा सेंटर पर, दैट इज बी। दिस इज बिकॉज क्यों ऐसा होगा, यहां पर हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं दे आर क्लोज एट द पोल्स, वो हमेशा क्या होती है एक दूसरे से क्लोज होती है, तो जहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, जहां मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्लोज होती है वहां पर हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ज्यादा होता है, लाइक दिस इट इज, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो क्लोजनेस किसको शो करती है, हाई मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, राइट। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ बी वी कैन से इट इज जीरो। नेक्स्ट, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज कैप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड। देखो अगर आप क्या करते हैं, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करो तो आपको ये बताना है कि जो फोर्स होगा वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इट डिपेंड ऑन द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो वी नो F इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, आई एल बी के इक्वल होता है, आई एल बी मीन्स करंट के ऊपर, देन L जो भी कंडक्टर लेते हैं वो, और साथ में हम क्या लेते हैं B, इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देन सेकेंड दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। नाउ एक्सप्लेन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, आपको अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है। सो हियर अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट टू रिलेट उन्होंने क्या किया था, एक हमारी इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिज्म को रिलेट किया था, है ना, दो चीजें आई थी, एक तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। क्या क्या, एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर को कनेक्ट किया की के साथ, एक रेजिस्टेंस लिया, साथ में क्या किया बैटरी ऑपरेट की, बैटरी से करंट मूव करेगा और जैसे ही बैटरी में करंट जग गया तो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, एक कंपास को प्लेस किया और कंपास ने जो नीडल थी उसने डिफ्लेक्शन को शो किया, तो इट मींस व्हाट इट रिप्रेजेंट कि जहां पर भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। कंपास क्या शो करता है कि कोई भी कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो नीडल मूव करता है, डिफ्लेक्ट करता है, तो ये डिफ्लेक्शन जो डिफ्लेक्शन हुई उसने क्या शो किया कि यहां पर आसपास क्या है मैग्नेटिक फील्ड जरूर है। ही प्लेस्ड अ स्मॉल कंपास नियर इट, इट डिड नॉट नोटिस एनी डिफ्लेक्शन, ही पास अ करंट, जैसे करंट को पास किया तो क्या हुआ, नीडल जो कंपास नीडल थी उसने डिफ्लेक्शन शो की, इट मींस इट हैव मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि कॉपर वायर के अंदर क्या था करंट मैग्नेटिक फील्ड थी, राइट। राइट ए फ्यू यूज ऑफ मैग्नेट, व्हाट आर द यूज ऑफ मैग्नेट, रेडियो में, स्टीरियो स्पीकर्स में, अलमीरा में,
रेफ्रिजरेटर जो जो होती है उसके अंदर आजकल आता है, ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो कैसेट टेप्स में, हार्ड डिस्क में, फ्लॉपीज में जो हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, मेडिसिन में अगर हम यूज करें तो दैट इज एमआरआई स्कैनर एक्सपोज द इनर ऑर्गन्स, जो भी हमारे इनर ऑर्गन्स होते हैं किसी भी पेशेंट की डिटेल को चेक करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज करते हैं. व्हाट इज कंपास नीडल? कंपास नीडल क्या होती है? What happen when a compass needle is placed in a region having no magnetic field? अगर किसी भी एरिया पर या किसी भी फील्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कंपास नीडल क्या शो करेगी? एंड देन नेक्स्ट इज नियर ए बार मैग्नेट, और आपको कहां पर रखना है? बार मैग्नेट पे. सो लेट्स सी कंपास नीडल होती क्या है. इट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट एंड थिन मैग्नेट पाइवेटेड एट इट्स सेंटर. क्या करते हैं, छोटी सी मैग्नेट को कहां रख देते हैं? किसी भी कंपास के सेंटर पर रख देते हैं. ओके, एंड इट इज इनक्लोज इन अ ग्लास. नाउ व्हेन अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड इन अ रीजन हैविंग नो मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेइंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. कहां रहती है वो? नॉर्थ साउथ में. अब कई बच्चे ये यहां पर देखेंगे कि कोई भी वैल्यू रख देंगे कि वो कोई डायरेक्शन शो नहीं करती, जबकि वो हमेशा किसको शो करती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है. राइट, नाउ कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन ब्रॉट नियर द बार मैग्नेट. जो भी बार मैग्नेट होगा अगर उसके पास हम लेके जाते हैं नीडल को, तो वो क्या करती है? अपने आप ही रोटेट करना शुरू करती है, डिफ्लेक्शन को शो करती है. व्हाट विल हैपन टू द आयरन स्पिनिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू द आयरन स्पिनिंग अराउंड ए बार मैग्नेट प्लेस्ड ऑन अ कार्डबोर्ड? व्हाट डज इट डेमोन्स्ट्रेट? आपने क्या लिया? एक बार मैग्नेट ली, अब एक कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड पर क्या करी? आयरन फिलिंग डाल दी. तो ये आयरन फिलिंग अपने आप को अलाइन कर लेती है. हाउ? On slightly tapping the cardboard, the iron filling arrange themselves in a definite pattern. आप देख सकती हैं कि ये क्या करती है? अपने आप को definite pattern में arrange कर लेती हैं. क्यों करती है? It is under the influence of magnetic field. क्या कह रहे हैं आप? कि बार magnet है तो उसके चारों तरफ क्या होगी? उसकी field होगी. अगर magnetic field है तो iron जो भी particles होंगे वो अपने आप को क्या कर लेंगे? Arrange कर लेंगे. Arrange themselves according to the field lines. जो भी magnetic field lines होती है उनके along ये अपने आप को arrange करते हैं. Right? Now, next is how will you locate the current carrying wire concealed in a wall? कैसे आप locate कर सकते हैं किसी भी current carrying wire को? The current carrying wire concealed in a wall can be located. कैसे? With the help of compass. आप क्या use करेंगे? Compass needle. In the absence of any current, अगर current नहीं होगा तो needle क्या करेगी? Deflection show नहीं करेगी. It will be stay at the same place. But ऐसा होगा कि अगर current flow कर रहा है तो वो क्या करेगी? अपनी जो stationary position होगी उससे deflect होना शुरू कर देगी. Next question is identify the poles of magnet in the given figure. Can you see this? आपको एक figure दी गई है और आपको क्या करना है? पोल्स बतानी है कि कौन सा पोल होगा. सो वी नो कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो कहां से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो आप बताओ कि मैग्नेटिक लाइंस कहां से निकलती हैं? नॉर्थ पोल से. और जाती कहां पर है? साउथ पोल में. सो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. द सेम एज निकल कहां से रही है? नॉर्थ पोल से. जा कहां रही है? साउथ पोल में. तो इट मीन्स जो लाइन्स होती है उन लाइंस को देखकर, एरो को देखकर हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि एक नॉर्थ पोल होगा और एक क्या होगा? साउथ पोल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड ए बार मैग्नेट फ्रॉम वन पोल टू अनदर. आपको क्या करना है? कोई एक्टिविटी शो करनी है जिसमें आप मैग्नेटिक लाइन्स को शो कर सके, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए बार मैग्नेट. सो व्हाट वी हैव टू डू, प्लेस ए बार मैग्नेट. कोई भी बार मैग्नेट लो, ठीक है. अब बार मैग्नेट पे यहां पर कंपास नीडल ले लो. राइट, कंपास नीडल लोगे तो आप देखते हो कि वो हमेशा क्या करेगा? नॉर्थ डायरेक्शन को शो करना शुरू कर देगा. और नोट 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 करते करते आप क्या करेंगे? उसको पूरे के पूरे जो भी डायरेक्शन होगी उसको पेंसिल से या फिर डॉट्स जो होंगे उनको मिलाते जाएंगे. तो दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दोबारा से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये. प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन ए शीट ऑफ पेपर एंड प्लेस ए कंपास नियर द नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल के पास आपने कंपास रखा, अब उसकी पोजीशन देखो. नीडल जैसे जैसे जा कहां जाएगी? साउथ पोल की तरफ जाती जाएगी. ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द नॉर्थ पोल प्रीवियसली कंटिन्यूअसली टिल द नीडल रीच द साउथ पोल. कहां तक लेके जाना है उसको? साउथ पोल तक. तो जो जो डायरेक्शन होगी ना उसको हम डॉट्स को लेंगे और डॉट्स को क्या कर देंगे? मैच कर देंगे. तो दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स। तो इस तरह की हमें क्या मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी, राइट। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब बार मैग्नेट अट्रैक्ट द स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है, ओके। और जो अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है कहां पर, उसके एंड्स पर। इफ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट टेक द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अभी हमने कहा कि अगर कोई भी बार मैग्नेट होगा उसको आप क्या करें, थ्रेड से टांग देंगे तो ये अपने आप को अलाइन कर लेता है। कैसे अलाइन कर देता है, अलोंग द नॉर्थ साउथ। द एंड विच पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। जहां पर हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल जाएगा इट मीन्स वो हमारा नॉर्थ पोल होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, साउथ पोल, राइट। नाउ लाइट पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। इफ वी ब्रेक अ मैग्नेट, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या कहता है ये, दैट इफ वी हैव अ मैग्नेट लाइक नॉर्थ एंड साउथ, इफ वी ब्रेक इट, तो यहां पर क्या होगा, एक नॉर्थ पोल आ जाएगा, एक साउथ पोल, और दूसरा यहां से क्या बनेगा हमारा, एक नॉर्थ पोल और क्या बन जाएगा, साउथ पोल। इवन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैग्नेट हैज बोथ, क्या बनेगा उनके, नॉर्थ और साउथ हो जाते हैं, राइट। देखो दोस मैग्नेट विच हैव अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ऐसा मैग्नेट जिसकी चारों तरफ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। व्हेन अ सॉफ्ट आयरन कोर इज अ प्लेस इनसाइड अ सोलेनोइड एंड करंट इज पास, तो सॉफ्ट आयरन क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है और जो मैग्नेट बनता है वो कैसा बनता है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कहां यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज होते हैं, लाउड स्पीकर्स में यूज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन्स में और इलेक्ट्रिक बेल में यूज होते हैं। तो ये कई बच्चों को याद नहीं होता, आप याद रखें जो इलेक्ट्रिक बेल होती है आप करंट स्विच को प्रेस करते हैं तो करंट मूव करता है और इस तरह से वो क्या करता है, ऑपरेट करता है। सो दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्रेन्स होती है जो भी आयरन के पार्टिकल्स होते हैं किसी डस्ट से या किसी भी एरिया से अगर हमें निकालने होते हैं तो क्रेन का यूज होता है, परमानेंट नहीं होते वो। जैसे करंट क्या करता है, मूव करता है, वो जो पार्टिकल्स होती हैं वो क्या करते हैं, क्रेन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और क्रिएट करती है और आयरन के पार्टिकल्स उसके साथ क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, राइट। व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, द लाइन्स ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच अ नॉर्थ पोल वुड मूव आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन्स। जहां पर क्या कर सके, नॉर्थ पोल क्या कर सके, मूव कर सके। अभी हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, वट आर द प्रॉपर्टीज, दे ऑलवेज मूव फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, दे नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी मैग्नेटिक लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बी इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ए बी आपके पास एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। इन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन, वट आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इट एट पॉइंट पी एंड क्यू, आपको देखना है पी और क्यू पर। सिंस हियर वी से गिवन दैट आर वन इज ग्रेटर देन आर टू, सो वी नो B is inversely proportional to 1 by R. B inversely proportional होता है किसके, R के। अगर R1 ज्यादा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। सो हियर द मैग्नेटिक लाइन्स कम इन द पेपर P एंड Q, गो आउट ऑफ द पेपर Q, एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक P इज इनवर्ड एंड Q इज आउटवर्ड, द स्ट्रेंथ इज लार्जर एट अ पॉइंट Q, जो क्या होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, एक स्टूडेंट ने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। नाउ विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास ही रिपोर्ट दैट द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंक्रीजेस व्हेन द कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। उसने क्या कहा कि अगर आप कंडक्टर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक जो नीडल होगा वो क्या करेगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन को शो करेगा। द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस व्हेन द करंट थ्रू द कंडक्टर इज इंक्रीज। दूसरा, अगर आप करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तब भी उसने कहा कि डिफ्लेक्शन क्या होगी, वहां पर ज्यादा होगी। विच ऑफ द अबव अपीयर्स टू बी रॉन्ग, कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो उसकी गलत है। तो हमने कहा कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। अगर आप डिस्टेंस को ज्यादा करेंगे, अगर आप डिस्टेंस को ज्यादा करेंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कम। लेकिन क्या ऑब्जर्व किया उसने कि डिफ्लेक्शन वहां पर क्या हो रही है, ज्यादा। तो दैट इज रॉन्ग। तो हमने कहा एज डिस्टेंस इंक्रीजेस स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सो डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन शुड डिक्रीज इंस्टेड ऑफ इंक्रीज। तो दिस इज द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन बाय द स्टूडेंट, राइट।
तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने रिवाइज किए जो आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के। नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम दोबारा से शॉर्ट क्वेश्चंस को ही लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है। आप इन क्वेश्चंस के नोट्स बनाइए ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चले कि कहां कहां आप इस क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं या फिर डिफरेंट कंसेप्ट को वहां पर लगा सकते हैं। एंड इफ यू नीड दिस नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप लेना चाहते हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड इट टू यू। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।